गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द मस्कुलर टिश्यू टुडे वी विल डिस्कस द मस्कुलर टिश्यू इट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट वी विल डिस्कस ओके इट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है दैट वी हैव टू डिस्कस द पैक्यूलर फीचर्स क्या द पैक्यूलर फीचर्स व्हाट इज द पैक्यूलर फीचर्स आर द पैक्यूलर फीचर्स मीन्स पैक्यूलर का मीनिंग क्या होता है पैक्यूलर का मीनिंग होता है जनरल फीचर्स व्हाट इज द जनरल फीचर्स क्या है इसके जनरल फीचर्स दैट वी हैव टू डिस्कस जनरल फीचर्स क्या क्या है वो मुझे डिस्कस करने हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं मसल्स मेनली क्या बोलते हैं इनको मसल फाइबर्स क्या बोलते हैं मसल फाइबर्स इनको क्या बोलते हैं मेनली मसल फाइबर्स बोलते हैं और इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो क्या है आपकी एक्साइटेबिलिटी फर्स्ट क्या है लेकिन एक्साइटेड देखिए ना एक्साइटेड नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टीज के अंदर होती है एंड कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रॉपर्टी है दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन्स रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्टाइल और रिलैक्सेशन की जो जो प्रोटीन्स है इसके अंदर उसके कारण से क्या होती है इसके अंदर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी आती है मायोसिन एंड एक्टिन बोथ आर द प्रोटीन्स फाउंड इन द मस्कुलर टिश्यूज ठीक है एक्साइटेबिलिटी आ रही है कंडक्टिविटी ऑल्सो इट शोज द कंडक्टिविटी ठीक है ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आती है मस्कुलर टिश्यू के अंदर आती है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर कैसी है इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसी है इलोंगेटेड है सेल्स कैसी है इसके अंदर जो सेल्स है वो कैसी आ रही है इलोंगेटेड शेप में आ रही है कैसी आ रही है इलोंगेटेड शेप में आती है जैसे हम लोग अगर बात करें तो इसकी जो शेप जो सेल्स है वो कैसी है इलोंगेटेड इलोंगेटेड का मतलब होता है ऐसे लंबी हो सकती है ऐसे आपके ऐसे हो सकती है इसका सेल न्यूक्लियस यहाँ पर हो सकता है ये ऐसी सेल्स हो सकती है ठीक है इसके इनको हम क्या बोलते हैं हम लोग मायोफाइब्रिल्स फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग मायोफाइब्रिल्स ठीक है इनमें क्या होता है प्रोटीन के जो थ्रेड है ये इसको बोलता अभी मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रेक्टाइल और एक्टिन मायोसिन और एक्टिन की जो फाइबर है उनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स और एक्टिनोफाइब्रिल्स क्या बोलते हैं हम लोग जिनमें प्रोटीन होती है मायोसिन उनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल क्या बोलते हैं उनको उनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं और जिनमें एक्टिन प्रोटीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग एक्टिनोफाइब्रिल क्या बोलते हैं एक्टिनोफाइब्रिल क्या बोलते हैं एक्टिनोफाइब्रिल आ रही बात समझ में क्या बोलते हैं इनको एक्टिनोफाइब्रिल अब आप लोग देखिए कि हमारे पास क्या है इसका फंक्शन जनरली क्या होता है दे हेल्प इन द मूवमेंट किसमें हेल्प करते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं किसमें हेल्प करते हैं बेटा मूवमेंट में हेल्प करते हैं किसमें हेल्प करते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं कि व्हेन वी आर कॉन्ट्रैक्टाइंग आवर ट्राइसेप्स हम लोग ट्राइस जिम के अंदर जिम कर रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो रही है और रिलैक्स भी कर रही है तो ड्यू टू द फाइबर्स और ये कौन से फाइबर्स होते हैं ये इस टाइप के फाइबर्स होते हैं ओके तो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट की नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है देखो मैं बोर्ड चेंज कर देता हूँ एक बार ठीक है एक मिनट मैं आपको बोर्ड चेंज कर देता हूँ ठीक है तो हम लोग आगे देखें कि हमारे पास क्या आता है दोनों के हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप के मसल्स को हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स के को हम लोग छेड़ेंगे जैसे हम लोग मैंने अभी बताया जिम के अंदर हम लोग क्या करते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमारी मसल्स को कॉन्ट्रेक्टाइल कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट भी कराते हैं और रिलैक्स भी करवाते हैं इसके कारण से क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस हमको समझ में आती है आगे देखो इसमें टाइप्स कौन कौन से हैं यहां पर तीन टाइप के होते हैं बेटा एक तो आपका होता है स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू
स्ट्रिएटेड, कौन सा? स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड मसल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जो सेल्स हैं वो कहां पर है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है? उनकी स्ट्रक्चर है फाइबर्स के फॉर्म में और ये बंडल्स के फॉर्म में अरेंज होती है। कैसे होती है? स्ट्रिएटेड बंडल्स के फॉर्म में होती है। कैसे होती है? बंडल्स के फॉर्म में अटैच होती है। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात इसकी स्ट्रक्चर की, दीज आर द सिलेंड्रिकल इन नेचर। दीज आर द सिलेंड्रिकल इन नेचर। सिलेंड्रिकल कैसे? सिलेंडर के फॉर्म में होंगी ये। सिलेंडर कैसे? सिलेंडर ऐसे। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो इसके स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो वॉल है, इट इज नोन एज द सार्कोलेमा। इट इज नोन एज सार्कोलेमा। क्या बोल देते हैं इसको? सार्कोलेमा। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है क्या? यस, इसके अंदर न्यूक्लियस है। दे में भी मल्टी न्यूक्लियेटेड, दे भी के मल्टी न्यूक्लियेटेड। उनके अंदर क्या होता है? मल्टी न्यूक्लियेटेड वो हो सकती है, न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन, मल्टी न्यूक्लियेटेड हो गया। द लिक्विड प्रेजेंट और द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सेल्स इज नोन एज द सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? सार्कोप्लाज्म। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें किसकी? नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो कैसा है? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। 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 स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, इसका जो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था किसका? स्ट्रिएटेड मसल्स का। वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होती है सच ए पीरियड अंडरगो द फैटिक। द हेल्प इन द लोकोमोशन एंड द मोशन मूवमेंट ऑफ द ऑल द वॉलंटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये वॉलंटरी ऑर्गन्स में काम करती है। वॉलंटरी का मतलब जानते हो? वॉलंटरी का मतलब वॉलंटरी वो चीज जो वॉलंटरी में क्या हो, जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं उनको बोलते हैं वॉलंटरी फंक्शंस। वॉलंटरी ऑर्गन, जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी ऑर्गन्स। ठीक है। उसके बाद में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्मूथ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स या स्मूथ स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। इसमें स्मूथ मसल्स में देखो क्या है, ये पोजीशन क्या है इनकी? इनकी पोजीशन कहां है? इनकी पोजीशन हो सकती है विसरल ऑर्गन्स में, लाइक द स्टमक। लाइक द स्टमक, इंटेस्टाइन में हो सकती है। स्टमक में है तो इंटेस्टाइन में हो सकती है। ब्लड वेसल्स के अंदर हो सकती है क्या? यस, ब्लड वेसल्स के अंदर हो सकती है। ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया। दूसरी बात, आयरिस ऑफ द आई। आयरिस ऑफ आई रेटिना में हो सकता है क्या? नहीं, यह है यूरेटर में। यूरेटर, उसके बाद में है आपका ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। जहां से क्या हो सकता है? जहां से किसी भी चीज का विसरण हो सकता है, या विस्कोसिटी वाले जो ऑर्गन, जो बहकर जाने वाले ऑर्गन है, वो इसके अंदर जो पार्ट है उनके अंदर, जिनके अंदर से कोई चीज बहकर जाती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ईच मसल फाइबर हैज, इनको हम लोग विसरल मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम लोग विसरल मसल्स, इन सबको जो मसल्स है स्मूथ मसल्स, इनको बोल सकते हैं हम लोग विसरल्स। विसरल मसल्स क्या बोल सकते हैं? विसरल मसल्स बोल सकते हैं। विसरल मसल्स बोल दिया इनको। इनके अंदर स्ट्रक्चर कैसी है? ये लेयर्स में अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? लेयर्स में। जैसे लेयर्स के, लेयर्स में कैसे होंगे? लेयर्स में होंगे आपके, लेयर्स में कैसे? लेयर्स में जैसे हम लोग बोलेंगे इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हो सकती है ऐसे। देखो अभी मैंने आपको बताई थी ऐसे स्ट्रक्चर पॉइंटेड एट द एंड्स। इनके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जा सकती हैं। ओके, यहां पर से क्या होगा? नेक्स्ट मसल आ सकती है। तो दीज आर द लेयर्स। इसके अंदर क्या होगी? एक
लेयर के फॉर्म में ये होगी, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, स्पिंडल शेप होगी इनकी, और इसके ऊपर जो लेयर है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोलेमा बोल रहे हैं, और दीज आर यूनि न्यूक्लिएटेड, कैसे होते हैं ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, कैसे होती है यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है बेटा, एक ही न्यूक्लियस है, कैसा है एक ही न्यूक्लियस है। उसके बाद में देखो क्या है, ये प्रेजेंट कहां पर होती है, ये होती है इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, दैट डू नॉट वर्क बाय आवर विल, हमारे विल के अकॉर्डिंग जो काम नहीं करते हैं, अपने आप वर्क करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। और जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं हमारा हार्ट, बोलो हार्ट हो सकता है, उसके साथ में हार्ट के साथ में हमारे क्या हो सकता है, किडनी फंक्शनिंग कर रही है वो सारा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है वो, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेंट क्या बोलते हैं उसको, इनवॉलंटरी मूवमेंट। जैसे कि हम लोग बात करें किसकी, इनवॉलंटरी में जैसे मूविंग मोशन, या फिर हम लोग बोले कि मूवमेंट ऑफ फूड, फूड टेकन इन द स्टमक, स्टमक टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट जो मूवमेंट आ रही है इंटेस्टाइन की, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण हमारा जो फूड है वो कैसे एक इंटेस्टाइन से जाता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या होगा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या होगा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और दैट विल हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ, फॉर द मोशन ऑफ द फूड। इसके अंदर क्या होगा, इसका कॉन्ट्रेक्शन क्या है, दिस कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, ये कैसी होती है, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती है बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज आर नॉन फैटिक मसल्स, ये क्या होगी नॉन फैटिक मसल्स होती है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प कर रही है, यूरेटर्स, जेनिटल डक्ट्स, जेनिटल डक्ट्स कौन सी होती है बेटा, ओविडक्ट और स्पर्म डक्ट जो होती है उनमें भी फूड को मूव करवाने के लिए इंटेस्टाइन में काम करती है, यूरिन को मूव करवाने के लिए ये यूरेटर में काम कर रही है, और सेक्स सेल्स गैमेट्स जो होती है उनको मूव करवाने के लिए कहां पर प्रेजेंट है, ये जेनिटल सेल्स में, किस किस में, जेनिटल डक्ट्स में, जेनिटल डक्ट्स में है, जेनिटल डक्ट्स में है, यूरेटर्स में है, और इंटेस्टाइन में, अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये सारे जो मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं, केवल स्मूथ मसल्स हैं, जो कहां पर है वो आएगी आपके यूरेटर्स वगैरह में, जहां पर विसरल और जो विसरल सब्सटेंसेस फ्लो होते हैं, जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास है। उसके बाद में क्या है आपका इनवॉलंटरी मसल्स, एक और आ रही है आपकी कार्डियक मसल्स, कैसे आ रही है बेटा कार्डियक मसल्स, कैसे आ रही है कार्डियक मसल्स, सॉरी कार्डियक मसल्स, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट, कार्डियक दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट। कार्डियोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी द स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की जो स्टडी है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो है कार्डियोलॉजिस्ट, बता देता हूं आपको सम ऑफ द टर्म्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है, द डॉक्टर ऑफ हार्ट, जो हार्ट का डॉक्टर है, जो हार्ट की स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। आ रही बात समझ में, तो एक वर्ड जो आपके पास और सुना होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियो, एक होता है आपका ग्राफ, एक होता है आपका ग्राम, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इन हॉस्पिटल्स वी हैव सीन कि वहां पर बहुत सारी ऐसी मशीन्स लगी होती है और उन मशीन्स के अंदर ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा होता है, ठीक है, इट इज नोन एज द ईसीजी। व्हेनेवर वी आर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस, इसका मुझे क्या लेना है,
प्रिंट आउट, अगर मैं ईसीजी करवाता हूँ तो मुझे डॉक्टर उसका प्रिंट आउट निकाल के देता है, स्लिप से एक ग्राफ की तरह एक स्लिप देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आ रही है बात समझ में? क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो मुझे प्रिंट आउट मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात ये हो रही है जो आपकी जो कार्डियक मसल टिश्यू है वो कहां पर होता है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहां पर है बेटा? हार्ट के अंदर। किसमें है? हार्ट के अंदर। ये भी किसकी तरह है? सिमिलर है। किसकी तरह है? ये है आपका स्मूथ मसल्स की तरह, इसकी तरह सिमिलर है, स्मूथ मसल्स की तरह सिमिलर है। सॉरी उल्टा बोल गया, स्मूथ किस तरह सिमिलर नहीं है, स्ट्रेटेड मसल्स की तरह स्ट्रेट है ये, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? ये इसके अंदर वही सार्कोलेमा वगैरह प्रेजेंट है। ये भी कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड। ये भी कैसा है बेटा? यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड। इट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी। कैसा है? इनवॉलंटरी। कैसा है? इनवॉलंटरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या है। देखो आपको इसके जो एंड है वो फ्लैट है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था ऐसे। इसके अंदर भी क्या है? एक ही आपका क्या है? न्यूक्लियस है। दैट्स व्हाई इट इज द यूनिन्यूक्लिएटेड। ये कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, वो जिगजैग स्ट्रक्चर होते। कैसे? हम लोग अगर बात करें इसको, हम लोग ऐसे बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो ये कैसे बनाएगा, ये ऐसे इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे आपके हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है आपका? न्यूक्लियस हो सकता है। कैसे? न्यूक्लियस आपके जो होंगे वो ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मोड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या है। मोड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या करता है? रैपिड होता है। कैसा है? रैपिड मोड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है। रैपिड हार्ट में है तो हार्ट बहुत तेजी से पंपिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिदमिक है। कैसा है? रिदमिक है। कैसा है? रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन है। कैसा है? रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। द हेल्प इन द पंपिंग ऑफ और फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। किसमें हेल्प करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में यह हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी कैसा है? इनवॉलंटरी मसल्स है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जो आपके मस्कुलर टिश्यू है वो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन आप लोग जनरली पढ़ लेंगे। मैं आपको जनरली एक बात और बता दूं, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज द नर्वस टिश्यू। हमारा जो नर्वस टिश्यू है उसकी यूनिट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोन। नर्वस टिश्यू की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी आपकी? न्यूरोन। क्या है? न्यूरोन। क्या है? न्यूरोन। न्यूरोन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे तो न्यूरोन जो है इट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की क्या है? ये एक यूनिट है। किसकी? नर्वस सिस्टम की, ठीक है। 10 मिनट्स के अंदर हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने पहले, बट हम लोग इसको देख लेते हैं। एक डायग्राम मैं आपको शो करता हूं। इट इज विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द नर्वस इंपल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स क्या करता है? नर्व इंपल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेकर जाता है। ये कौन सा टिश्यू है? ये कंपाउंड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है बेटा? इट इज द कंपाउंड टिश्यू। ये क्या है? कंपाउंड टिश्यू है। और इसके अंदर कहां पर होता है, क्या क्या बनाता है? ये बनाता है आपका ब्रेन। क्या बनाता है? ब्रेन बनाता है। ये बनाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है और नर्व्स बनाता है।
इसका पावर क्या है, इसमें पावर कौन सी है बेटा, एक्साइटेशन, एक्साइट हो सकता है, एक्साइटेशन हो सकता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। अभी मैंने बताया था कंडक्ट करता है किसको, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इसमें बात करता है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ, सॉरी हाँ, द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ दिस इज न्यूरोप्लाज्म। इसका जो जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म, क्या बोल देते हैं इसको, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोप्लाज्म, और इस न्यूरोप्लाज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मैट्रिक्स। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, इसकी स्ट्रक्चर की, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, इट इज द न्यूरॉन, इट इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज जस्ट लाइक, देखिएगा नहीं आपको, जैसे हम लोग बात करें किसकी, इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हैं हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो पार्ट्स हैं वो हम लोग आगे आगे देखते जाएंगे। आई बस समझ, तो ये हमको देखना है, दिस इज द टर्मिनल डेंड्रोइड्स, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेंड्रोइड्स। इसमें क्या होता है, दीज आर ऑल्सो द डेंड्रोइड्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि यहां पर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे हम लोग बात करें इसकी कि सम ऑफ द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ हियर द, these are known as the myelin sheath, myelin sheath, क्या बोलते हैं इनको, myelin sheath इसको बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो गैप है, इट इज द गैप दैट इज नोन एज द नोड ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर के ये नोड्स यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो this is the part of this, it is the head or it is known as the cell body or cytone, kya bol dete hai isko, cell body or cytone, iska jo neuroplasm, ye yahan par kya hai iska neuroplasm, ye kya hai iska nucleus, inko hum log kya bolte hain, dendroids, kya bol dete hain, dendroids, kya bol dete hain, डेंड्रोइड्स। और इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल डेंड्रोइड्स, क्या बोल देते हैं इनको, टर्मिनल डेंड्रोइड्स, क्या बोल देते हैं इनको, टर्मिनल डेंड्रोइड्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे इनको, टर्मिनल डेंड्रोइड्स। अब बात हो रही है कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, कंडक्शन किस तरह कहां से हो सकता है, देखो कंडक्शन कहां से होगा, फॉर द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, हम लोग एक छोटी सी बात और भूल गए जो मैं डिस्कस करूं, द cells present in this the axon, इसके अंदर कुछ cells present है, these are known as the Schwann cells, या Nissl particles बोल सकते हैं, Nissl particles हम लोग इनको, ये Nissl, sorry sorry, Nissl particles आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। आप भी देखो, इसके बाद में क्या है कि Schwann cells हो गई, उसके बाद में हम लोग ये देखें कि इसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट है, इसके ऊपर स्किन जो आ रही है इस एक्सोन के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, पूरा जो ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोन, क्या बोलते हैं, एक्सोन। इस एक्सोन के ऊपर जो लेयर है दैट इज नोन एज द एक्सोलिमा, क्या बोलते हैं इसको, एक्सोलिमा, क्या बोल देते हैं इसको, एक्सोलिमा। एंड द लिक्विड फील्ड इन दिस एक्सोलिमा इज नोन एज द एक्सोप्लाज्म, क्या बोल देते हैं इसको, एक्सोप्लाज्म, क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोप्लाज्म बोल देते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब यहां से देखो कंडक्शन कैसा होगा इंपल्स का,
सपोज द डेंड्रोइड पार्ट इज हैविंग, ये कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कंडक्शन शो करेंगे, कंडक्शन शो करेंगे ऐसे इस तरीके से आप लोग देखिए, सपोज इट इज द साइटोन एंड इट इज द एक्सोन, किसी भी नर्व का एक एक्सोन यहाँ पर थे यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सोन है, और इस एक्सोन के अंदर क्या हो गया डेंड्रोइडल पार्ट में आ गया, तो नेक्स्ट जो न्यूरोन अटैच होगी उसका हेड होगा, उसका क्या होगा हेड होगा, उसका क्या होगा हेड होगा, उसका क्या होगा हेड होगा, उसका क्या हो जाएगा हेड होगा आपका, और नेक्स्ट जो आएगी उसका क्या हो जाएगा टेल, इसके अंदर क्या है हेड हो गया और इसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा टेल, तो एक न्यूरोन से जो कंडक्शन हो रहा है नर्वस इंपल्स का वो ऊपर की तरफ होगा, इसका मतलब ये होगा द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स विल शोज फ्रॉम द फ्रॉम डेंड्रॉइड्स टू द साइटोन साइटोन फ्रॉम द एक्सोन विद द सॉरी विद हेल्प ऑफ एक्सोन, इस एक्सोन के थ्रू क्या होगा नर्व इंपल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाएंगे, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका हेड है उसके अंदर साइटोन जो है वहां से इंपल्स चलेगी, यहां से इंपल्स चलेगी और एक्सोन को ट्रांसफर होगी, एक्सोन विल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन और द इंपल्स टू द टर्मिनल डेंड्रोइड्स एंड देन फ्रॉम द टर्मिनल डेंड्रोइड्स द इंफॉर्मेशन विल रिलीज टू द नेक्स्ट न्यूरोन, कहां पर जाएगी नेक्स्ट न्यूरोन की तरफ जाएगी, आरी वास्तव में कहां जाएगी न्यूरॉन्स की तरफ जाएगी, इसके अंदर जो न्यूरोग्लिया जो पार्ट है उस वो न्यूरोग्लिया पार्ट जो है वो फैगोसाइट की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है फैगोसाइट्स की तरह काम करता है, और जो न्यूरोन जो है ठीक है उसके अंदर कुछ सेल्स है उनको बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, क्या बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, और न्यूरो सिक्रेटरी जो सेल्स है दैट विल सिक्रेट द न्यूरो हॉर्मोन्स, क्या बोलते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स, क्या बोलते हैं न्यूरो हॉर्मोन सिक्रेट करती है वो, क्या सिक्रेट करती है न्यूरो हॉर्मोन सिक्रेट करती है ठीक है, इसका फंक्शन क्या है मैं आपको कंप्लीट बता दूं, द न्यूरॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स टू सेंस कोऑर्डिनेट्स द सेंस ऑर्गन्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी बाय कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स फॉर द रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, कोई भी एक्टिविटी कोई भी एक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन करना है या फॉरवर्ड एक्शन जो करनी है वो हमको ये बताता है, आई बात समझ में, तो ये हमारा क्या था ये चैप्टर था चैप्टर टू रिलेटेड टू द टिश्यूज ठीक है, इन द 20th ऑफ जन जो 20 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपका जो बायो है उसमें चैप्टर टू कंप्लीट आने वाला है, आरी बात समझ में, इनमें क्या आएगा चैप्टर टू कंप्लीट आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं जो आपके 20th जन जो एग्जाम आ रही है ठीक है उसके अंदर आपका ये 20th जन को जो एग्जाम है उसमें चैप्टर टू आने वाला है ओके ऑल ठीक है, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू हैव अ नाइस डे।